Hello dear learners, hoping you people are fine. Dear learners, in today's video I am going to discuss with you, all those words which are supposed to be asked in your TOEFL, IELTS and PET, CDS, SSC and Banking exam. आज का जो वीडियो है टोटली डेडिकेटेड है इन सारे एग्जाम्स के लिए. इसमें जो जो एग्ज़ाम हैं, जो पहले TOEFL और IELTS और PET एग्जाम है, ये सर्टिफिकेट ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं. दिस सर्टिफिकेट्स हेल्प यू इन गेटिंग मूविंग अब्रॉड. अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में फॉर परसुइंग योर एनी कोर्स और फॉर जॉब पर्पज, देन नाउ दिस TOEFL सर्टिफिकेट एंड IELTS सर्टिफिकेट एज वेल एज PET सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड. एट प्रेजेंट टाइम अराउंड मोर देन 12,000 कंट्रीज आर देयर जहाँ पर यूनिवर्सिटी हो या फिर कंपनीज हो, आपको जॉब के लिए ये सर्टिफिकेट मस्ट है. अब ये सर्टिफिकेट क्या है, अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ. ये सर्टिफिकेट ये प्रूव करते हैं कि यू आर गुड इन इंग्लिश. एक्चुअली ये जो TOEFL एग्ज़ाम है, ये है TOEFL, IELTS और PET एग्ज़ाम है. दीज आर द एग्ज़ाम कंडक्टेड टू सर्टिफाई दैट यू आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश. आप इंग्लिश को समझ पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश इज़ गुड है. इस एग्ज़ाम में आपको स्कोर मिलते हैं, ठीक है. इस एग्ज़ाम में जो टोटल स्कोर होता है वो 10 होता है. आउट ऑफ 10 अगर आपको 8 और 9 मिल रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतर है, राइट. तो नाउ इफ़ यू आर एट प्रेजेंट, इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, टेकिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और परसुइंग जॉब ओवर देयर, तो आपको ये कोर्सेस, ये सर्टिफिकेट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं. नाउ along with this vocab, this session is going to help of those students also जो CDS, SSC और bank exam के लिए prepare कर रहे हैं. because the vocabs जो आप इस session में मैंने रखी हैं, ये सारी vocabs आपको help करेंगे in all this, in cracking and qualifying all these exams. so let's go ahead and देखते हैं what I have for you. और आज बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं. in this sessions I am having synonyms. तो आज हम एक वर्ड के कई और अलग बहुत सारे वर्ड्स लर्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें, सो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफ एनी थिंग रिलेटेड इंग्लिश वुड बी बेटर एंड ईजी फॉर अस. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सो यस, लिस्ट ऑफ IELTS बैंड. एक्चुअली ये जो वीडियो है, जो सेशन है, ये होने वाला है नॉट ओनली फॉर IELTS बट ऑल्सो फॉर TOEFLs, PET, CDS एंड बैंक एग्जाम के लिए. तो क्योंकि ये सारे जो वोकैब्स मैंने रखे हैं, जो लिए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए पहला वर्ड क्या है, अबंड. अबंडन, अबंडन का मतलब क्या होता है, टू लीव. अबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना किसी भी चीज़ को. जब आप छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अबंडन. ओके, अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज डिजर्ट कर देना. डिजर्ट का मतलब भी होता है छोड़ देना, या फॉरसेक. फॉरसेक का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना. तो आपने क्या देखा, अबंडन का मतलब होता है छोड़ना किसी भी चीज़ को, ठीक है. आप किसी के ऊपर से अपना अधिकार, किसी भी थिंग से अपना अधिकार भी हटा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि आई हैव अबंडन्ड माय हाउस. जैसे अपना घर छोड़ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि आई हैव अबंडन्ड माय हाउस. अब इसका दूसरा वर्ड क्या होगा इसी से सिमिलर, वो होगा डिजर्ट. डिजर्ट का मतलब भी छोड़ देना, फॉरसेक का मतलब भी छोड़ देना होता है. अगला वर्ड क्या है, एब्रीवेट. यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ, तो आई विल टेल यू हिंदी ऑल्सो, सो यू डोंट वरी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनी थिंग. मैं दोनों ही सेशन इज गोइंग टू बी बाई लैंग्वेज, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप अच्छे से समझते चले जाएँ. अगला वर्ड है, देखिए अगला नेक्स्ट वर्ड इज वॉट, एब्रीवेट. एब्रीवेट मीन्स क्या होता है, एब्रीवेट का मतलब होता है, एब्रीवेट मीन्स टू शॉर्टन, छोटा कर देना, कम कर देना, संक्षिप्त कर देना, ठीक है. तो एब्रीवेट का सिनोनिम क्या होगा, शॉर्टन करना, मैंने आपको बताया अभी, और कंडेंस कर देना, मतलब स्क्विच कर देना किसी बड़ी चीज को, छोटा कर देना, दैट्स कॉल्ड कंडेंस, राइट. नाउ नेक्स्ट इज एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब हैविंग, आपके अंदर किसी भी काम करने की क्षमता है, तो आपके अंदर उस काम को एक्ट करने की एबिलिटी है. इसको इंग्लिश में क्षमता को इंग्लिश में एबिलिटी कहते हैं. इसका सिनोनिम क्या होगा, स्किल या एप्टीट्यूड. आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने का जो स्किल है, जो एप्टीट्यूड है, दैट कैन बी डिफाइंड विद दैट. ओके, तो एप्टीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड. नेक्स्ट
इज एबल। एबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने की क्षमता होना, कैपेबल होना, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैपेबल। एबल का मतलब होना कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने की कैपेबिलिटी है। सो एबल मीन्स टू स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग। क्वालिफाइड करना उसी से रिलेटेड है। एबव का मतलब होता है ऊपर। एबव मीन्स क्या होता है? ऊपर, ओवरहेड कह सकते हैं, ठीक है। एबव का सिनोनिम्स क्या होगा? ओवरहेड। नेक्स्ट क्या है? अबॉन्डेंट। अबॉन्डेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। जब आपके पास कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अबॉन्डेंट। इसका सिनोनिम क्या होगा? एम्पल। एम्पल का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा, एंड सफिशियंट का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा। तो आई होप कि आपको ये जो सिक्स सेंटेंस वर्ड्स मैंने बताए उसके साथ जो मैं दो या टू और थ्री जो सिनोनिम्स बता रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो सिनोनिम्स अगर हम एक वर्ड के आपको देखिए, अगर आपको अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है तो यू मस्ट नो वर्ड। एक ही वर्ड के कई वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, एक वर्ड के सिनोनिम्स और एक ही वर्ड के एक ही मीनिंग की कई एंटोनिम भी पता होनी चाहिए। ये क्या करता है? ये आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाता है और आपकी स्पीकिंग को भी बेहतर बनाता है। तो दिस सेशन इज नॉट ओनली टारगेटेड फॉर IELTS, TOEFL और PET और CDS, SSC एंड बैंक एग्जाम। इट इज़ ऑल्सो टारगेटिंग टू योर इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑल्सो। ये आपके अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। अगला देखिए क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब आप जानते हैं, एग्जैक्ट, सही होना, करेक्ट होना या राइट होना। जो टफ होगा उसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, जो ईजी होगा मैं स्मूथली आगे बढ़ता चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्या है? अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब होता है किसी चीज़ को पा जाना है, पा लेना, ठीक। जैसे आप एग्ज़ाम अचीव करते हो, गेम को अचीव करना, सक्सेस को अचीव करना, ठीक है। अचीव का मतलब होता है किसी भी चीज़ काम को करना और उसमें सफल हो जाना। अकॉम्पल्स या एटन भी कहते हैं, इन दोनों का मतलब भी होता है किसी काम को करना और उसमें सफल हो जाना। नेक्स्ट क्या है? एक्टिव। एक्टिव मीन्स क्या होता है? एक्टिव आपको पता है, जैसे आप अभी एक्टिव हों और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सीधे देख रहे हैं, तो एनर्जेटिक भी हो सकता है। एक्टिव का मतलब एनर्जेटिक। आपसे बहुत सारे आपसे कोई मिलता होगा तो आप कहता होगा यू आर वेरी एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब वही कहना चाहता है कि आप बहुत ही एक्टिव, राइट। एनिमेट वही फुल ऑफ लाइफ, राइट। तो ये जो तीन वर्ड्स है ये एक्टिव के सिनोनिम्स। अगला क्या है? एडमंट। एडमंट का मतलब होता है देखो एक ऐसा व्यक्ति। आपने देखा वो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझते नहीं। ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? यू आर एडमंट, ही इज़ अ एडमंट चाइल्ड, मतलब एक जिद्दी बच्चा इसको बोलते हैं। फर्म या अनएल्डिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने झुकने के लिए तैयार ना हो, आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, सच पर्सन को आप एडमंट बोल सकते हैं, एरोजेंट भी बोल सकते हैं, राइट, एंड फॉर्म और अनएल्डिंग भी बोल सकते हैं। अगला क्या है? एड। एड मीन्स क्या होता है? एड मीन्स तो आपको पता ही, जोड़ना बहुत ही आसान है। एड का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से ऐड कर देना, हम एडिशन भी करते हैं। एडिशन का ऐड का मतलब होता है सम कर देना या फिर इंक्रीज कर देना या टोटल कर देना, बहुत ही आसान है। एडिकेट का मतलब होता है अधिक, बहुत ही अधिक मात्रा में। इसका सिनोनिम क्या होगा? सफिशियंट है, एनफ और एम्पल, ये तीनों मैं पहले भी बता चुका हूँ। एडजर्न मीन्स क्या होता है? पोस्टपोन करना, कैंसिल करना। जैसे आप कोई पार्टी करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आपका किसी कारणवश अगर वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो आप कहते हैं क्या? यू कैन कॉल एंड टेल दैट टुडे मीटिंग इज एडजर्न, इट विल बी यू नो कंडक्टेड ऑन द कमिंग डेज। आज की जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है और ये किसी पोस्टपोन हो गई है और ये दूसरे दिन हो गई, ठीक है। तो एडजर्न बोलते हैं उसको, पोस्टपोन या रिसेस। रिसेस आप स्कूल में होता है, बड़ा ही फेमस वर्ड है आपके लिए, जब इंटरवल जिसको बोलते हैं तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। तो नाउ एडल्ट। एडल्ट मीन्स क्या होता है? पर्सन हु इज मैच्योर, हु इज ग्रोन अप, 18 प्लस को हम एडल्ट बोलते हैं, राइट। एडवोकेट का मतलब होता है, एक तो देखो एडवोकेट होता है, जैसे आप एडवोकेट हो सपोज करो, तो एडवोकेट क्या है? एक नाउन है, मतलब एक वकील बोलते हैं। और एडवोकेट का मतलब भी एक वर्ब जब होता है तो क्या? एडवोकेट जब वर्ब होता है, एडवोकेट नाउन भी है, जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा सपोर्ट करना। जैसे आप मेरे पक्ष में बात कर रहे हैं तो यू आर एडवोकेटिंग इन माई फेवर। आप किसी को बोल सकते हैं कि भाई उनके पक्ष में आप बात ना करें, डू नॉट एडवोकेट इन हिज फेवर, ठीक है। मैं आपको सेंटेंसेस भी बना के सिखाऊँ, बताते रहूँगा इन बिटवीन ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में। तो एडवोकेट का मतलब वेट ओके तो एडवोकेट का मतलब होता है किसी के फेवर में बात करना या किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। अगला क्या है? आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है कमिंग डेज, नेक्स्ट, फॉलोइंग, नेक्स्ट,
अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना किसी से, ठीक है, अफ्रेड स्केयर्ड, फाइटेंड, स्केयर्ड देखो यहाँ पे दिया हुआ है एस ई ए आर ई डी। अब स्पेलिंग को भी अगर थोड़ा स्पीड में ये चल रहा है वीडियो तो आप इसको वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ तो, ठीक है। टारगेट है आपको लर्न कराना, आप जैसे भी चाहें ऐसे लर्न करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप लर्न करते हैं भूल जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल टेल यू द ट्रिक द वे जिससे आप लर्न करेंगे और आपको चीज़ें मेमोराइज होती चली जाएंगी, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, जैसे अभी आपने, आप सपोज करो आपने 50 वर्ड्स देखा तो सारे 50 आपको इमीडिएटली दिमाग में नहीं रहेंगे, आप उसको पढ़ लीजिए। हमारे मिस्टेक्स क्या है पता है, व्हेन वी आर लर्निंग वी आर थिंकिंग कि सारी हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल नहीं होता कभी कभी, कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली रिकॉल नहीं होती लेकिन बाद में वो रिकॉल होंगे, आपको कहीं भी आप देखेंगे तो वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके टंग पे आ जाएगा, उसको बोल पाएंगे, इसलिए वरीड ना हो, ठीक है, रिवाइज करते रहें। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव का मतलब आजकल देखिए लोग ना, लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, आपको शांत व्यक्ति नहीं मिलेगा कोई ना, एग्रेसिव लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दीज वर्ड्स यू अंडरस्टैंड एंड आप इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये जो IELTS, TOEFL, CDS Bank, SSC का जो मैं सेशन वोकैब चला रहा हूँ ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी इसी तरह की। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड गुड लक।